श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आरंभ नेवनारा के चंडी मंदिर में 24 अगस्त से 30 अगस्त तक तथा 31 अगस्त को परम पूज्य स्वर्गीय अंबिका प्रसाद तिवारी पिता के पुण्य स्मृति में उनके लड़के महेश व योगेश तिवारी के द्वारा वार्षिक श्राद्ध का आयोजन रखा गया है। आज दोपहर 1 बजे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन स्थल पर एकत्रित हुए। ज्योतिर्मयानंद संपाद लक्षेश्वर धाम सलधा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन भागवत परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे, युवती व महिलाओं ने हिस्सा लिया। दोपहर के समय कलश के साथ महिला पुरुषों ने बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में सबसे आगे भागवत जी को सर पर उठाए महेश तिवारी सपत्नीक सहित परिवार के सभी सदस्य, गद्दी सेवक और समाज के बंधु चल रहे थे। कलश यात्रा में पीले वस्त्र धारण की हुई कन्याएं व महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए मंगल गीत गाते हुए चल रही थीं। कलश यात्रा नेवनारा चंडी मंदिर के विभिन्न मार्गों से भागवत प्रांगण में पहुँची। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पूरी आस्था और गुरुदेव के जयकारे के साथ स्वागत किया। इस मौके पर शोभा यात्रा पर खुले आकाश से पुष्प वर्षा की गई। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के जयकारे से वातावरण गुंजायमान हो गया। राधे राधे के उद्घोष से माहौल भक्ति के रस में डूब गया। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच पुरोहितों द्वारा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। आचार्य ने विधि विधान पूर्वक पूजन सम्पन्न कराया। ज्योतिर्मयानंद संपाद लक्षेश्वर धाम सलधा जी महाराज के व्यासपीठ पर आसन होने के पश्चात माल्यार्पण कर उपरणा शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है, आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भागवत श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। भागवत श्रवण मात्र से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। चित्त की स्थिरता के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। भागवत श्रवण मनुष्य के संपूर्ण कलेश को दूर कर भक्ति की ओर अग्रसर करती है। मनुष्य जब अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ता है तो संपूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित होकर मनुष्य के पीछे लग जाती है और हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। ठीक उसी तरह बुरे कर्मों की राह के दौरान संपूर्ण बुरी शक्तियों हमारे साथ हो जाती है। इस दौरान मनुष्य को निर्णय करना होता कि उसे किस राह पर चलना है। छल और छलावा ज्यादा दिन नहीं चलता। छल छिद्र जब जीवन में आ जाए तो भगवान भी उसे ग्रहण नहीं करते हैं। निर्मल मन प्रभु स्वीकार्य है। छल छिद्र रहित और निर्मल मन भक्ति के लिए जरूरी है। पहले दिन भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया। इसे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भजन गीत व संगीत पर श्रद्धालु देर तक झूमते रहे। श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन अवसर पर श्रोता के रूप में आसपास के हजारों ग्रामीणों के साथ तिवारी परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। इस कोरोना काल के बाद यह पहला अवसर है कि एक साथ बैठकर भागवत कथा करते हुए भगवान से प्रार्थना कर लोगों को स्वस्थ व दीर्घायु होने की कामना किए। प्रारंभ आज कला से आपका है, किस तरीके के संदेश देना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम? अपना जीवन समाज की सेवा सेवा और क्षेत्र की सेवा के लिए बिताए हुए और हम अंबिका प्रसाद तिवारी जी की स्मृति में उनके पुत्र और महेश तिवारी और योगेश तिवारी के द्वारा भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन रखा गया है, जिनका आज से शुभारंभ है। कोरोना काल के बाद ये पहला अवसर हम लोगों का, जहाँ हम लोग बैठ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सबको स्वस्थ रखें, सबको दीर्घायु बनाएं और जो महामारी है उस महामारी का आप दूर करें, ये भगवान से प्रार्थना करते हुए आज के कार्यक्रम का हम लोग शुभारंभ करेंगे। श्री अंबिका प्रसाद तिवारी जी के स्मृति में भागवत श्रीमद् भागवत पुराण का कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे महाराज जी ज्योतिर्मयानंद महाराज जी का आगमन हुआ है। इनके द्वारा इस श्रीमद् भागवत का कथा का वाचन होगा और इस क्षेत्र में लगातार महाराज जी की कृपा बनी रहे और लगातार महाराज जी का यहाँ पे आशीर्वाद इस हमारे बेमतरा क्षेत्र में बना हुआ है और इस कथा के माध्यम से महाराज जी यहाँ आशीर्वाद देने लिया है। उनकी कथा से आने वाला समय हमारे खास करके बेमतरा वासियों के लिए, उनके मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और इसी पुण्य कार्य के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम लोग इस गाँव में आयोजन किए।